मध्य प्रदेश टीकमगढ़ से खबर आ रही है। आपको बता दें, जिला कलेक्ट्रेट में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के संबंध में मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई, जहां आपको बता दें टीकमगढ़ कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी तथा SP प्रशांत खरे की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के संबंध में मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। इस अभियान कार्यशाला में 12 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों के कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में चर्चा की गई। इस अवसर पर टीकमगढ़ SDM CP पटेल, CMO HO डॉक्टर PK माहौर, सहायक सूचना अधिकारी जनसंपर्क विभाग शेफाली तिवारी सहित संबंधित अधिकारी तथा मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जगह न्यूज़24 टीकमगढ़ से MP ब्यूरो कमल राजपूत की खास रिपोर्ट। आज ही के दिन से अपने जिले में पिछले साल की आप याद करो तो केस बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो गए थे और अप्रैल के सेकेंड वीक में बहुत बड़ी स्थिति पीक आ गया था, लेकिन फिर अप्रैल के बाद मई में थोड़ा रेजिस्टेंस था और जून बल्कि अपन कहें तो 1 जुलाई से हम लोगों ने अभियान शुरू किया वैक्सीनेशन का, और बहुत ज़्यादा थ्रस्ट था, कई सारा डर था, और किस तरीके से आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने वो बल्कि पूरे देश ने वो किया जो कि जब आज से 50-100 साल बाद अपनी तीसरी चौथी पीढ़ी याद करेंगे, क्योंकि ऐसी महामारियां हमेशा नहीं आती। वो जो 1917 में स्पेनिश फ्लू का था तो उस समय के लोग कहानियां पढ़ते हैं कि कैसे आई थी बॉम्बे से, और फिर सेकंड उसमें कैसे लोग काफ़ी ख़त्म हुए थे। उस तरीके से ये भी एक इतिहास के रूप में दर्ज हो गया अपनी जो मेहनत, और ये जो वैक्सीनेशन की उपलब्धि हासिल की